दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ग्लू गन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और इसके क्या क्या फायदे और नुकसान हैं। तो देख सकते हैं आप, ये 40 वाट की ग्लू गन हमने परचेज की है। कुछ हम ओपन हमने पहले से कर रखी है, तो जल्दी से आपको इसके बारे में हम आपको बता दें कि ये कैसे कैसे यूज की जाती है। देखिए, कुछ इस तरह की आपको देखने को मिल जाएगी। और ये रिंग जो आप देख रहे हैं, ये कुछ इस जगह पे फिट होगी, कुछ इस तरह फिट करके आप, ये एक किस्म का इसका स्टैंड है, ताकि यूज करते टाइम आपको ये स्टैंड आप लगा सकें। इस तरीके से देख सकते हैं आप, इस तरीके से ये स्टैंड लग जाएगा। तो चलिए, तो मार्केट से मैंने ये कुछ स्टिक्स, ग्लू स्टिक्स परचेज की हैं। ये मैंने 5 ही अभी परचेज की हैं, क्योंकि ये ग्लू गन मैं ज़्यादा यूज नहीं करता, तो मैंने ये 5 ही परचेज की हैं। ये आपको 10-15 रुपए की आसानी से मिल जाती है मार्केट से, देख सकते हैं। चलिए जल्दी से हम आपको चलाना सिखा दें कि किस तरीके से ये चलती है। ये इसकी लीड है और ये बोर्ड आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल बोर्ड है। ये मैं सप्लाई इसको देता हूँ। इस तरीके से आपको ये फिट करनी है। इसमें सप्लाई मैंने दोस्तों दे दी है। देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह से ये फिट हो जाएगी। अब यहाँ टच करके देख सकते हैं कि ये काम कर रहा है, ये गर्म हो रहा है आगे से। आप इसे ऐसे 2 मिनट के लिए रख सकते हैं, ताकि ये अच्छी तरह से गर्म हो जाए। तो अभी हमारे पास दोस्तों पूरी तरह से गर्म हो चुकी है। तो ये मेरे पास एक एलईडी बल्ब है, जिसका ये आगे की कैप खुल गई है। तो हमें मैं इसकी मदद से इसको चिपकाऊंगा। देखिए, कुछ इस तरह से आपको इसको यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से आप इसको लगा के किसी भी चीज को आसानी से जोड़ सकते हैं। दोस्तों आप इस बल्ब पे लगा सकते हैं, पर ये ज्यादा सेफ नहीं रहेगा, क्योंकि बल्ब हमेशा गर्म होता है, तो गर्म होने से ये फिर से खुल भी सकता है। ज़्यादा कोई परेशानी की बात नहीं है। देखिए, ये जब सूखेगा तो अच्छी तरह से फिट हो जाएगा। ये देखिए, इसको आप ऐसे ऐसे पुश करेंगे, ये देखिए गम आगे से निकलता रहेगा। ये देखिए गम निकलता रहेगा। इसको मैं साफ कर लेता हूँ, ताकि ये सूखे ना। आप कोई भी प्लास्टिक की चीज़ या कोई गत्ता, कोई भी इससे आप आसानी से जोड़ सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, 40 वाट की मेरे पास ये ग्लू गन है। तो स्टिक आपके साथ, गन के साथ आपको स्टिक हमेशा मिल जाएंगी, कुछ इस तरह की। एक दो स्टिक मिल जाती है, अगर आप ज़्यादा लेने चाहते हैं तो 10-15 रुपए की एक स्टिक आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।